सो गाइस एक खास बात इसमें बताना चाहूंगा, इस वाली स्कूटी में आपको किक स्टार्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं माय टीवीएस के शोरूम पे दरियागंज में। सो आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं न्यू एंड टॉक एक्सटी वेरिएंट खड़ा है, और इसमें हम जानने वाले हैं कितने कलर्स आने वाले हैं, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या क्या चेंजेस इसमें दिए हैं, और TFT स्क्रीन में क्या चेंजेस हैं। और अगर आपको एंटॉक पसंद है जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यू लाइक द एंटॉक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। एक और बात बता दूं दोस्तों, इसमें 60 चेंजेस हैं, 60 चेंजेस। TFT स्क्रीन जो इसकी है, LED स्क्रीन और TFT दोनों का मिक्सचर इसमें दिया हुआ है। सो उसमें जो भी चेंजेस हैं, 60 चेंजेस, उसकी जो डिटेल वाइज जो वीडियो रहेगी वो मेरी एक नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिक इसी चीज़ पे आएगी स्पेशली। सो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसमें आपको बताने वाला हूँ जो इसके एक्सटीरियर है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, जो इसके TFT है उसमें कुछ फीचर्स बताऊँगा, साथ के साथ जो भी इसमें चेंजेस और रहेंगे और प्राइसिंग रहेगी वो आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, दिस इज़ द न्यू एंटॉक XT वेरिएंट। और सबसे पहले इसका डैशिंग कलर देख लीजिए, जो कि है पैरेट कलर की तरह आपको जो दिख रहा है, इसको हम नियॉन कलर बोलते हैं। प्लस इसमें ग्रे की जो कॉम्बिनेशन है, ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सो नियॉन कलर प्लस ग्रे कलर का इसमें कॉम्बिनेशन है। और अगर लुक्स की बात करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी डिफरेंट लुक आपको देखने को मिल जाती है। सो ये जो गाड़ी है काफ़ी सेलिंग में, आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटिंग पे और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एक स्कूटी है जो 125 सीसी में है। सो लुक्स इसकी देखिए, काफ़ी यूनिक और काफ़ी सेक्सी कलर, काफ़ी अलग लग रहा है। सो देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और क्या क्या चेंजेस हैं तो स्टार्ट करते हैं चेंजेस से। सबसे पहला चेंज इसमें जो एक कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये कलर आपको किसी भी और वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जो वेरिएंट है ये XP में नहीं है, XP से एक नीचे वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 9.25 का BH पावर देखने को मिलता है। सो इंजन की बात करें तो पिछला वाला वेरिएंट है, सेम एज इट इज़ आपको इंजन पावर देखने को मिलेगी। और पहला चेंज मैंने आपको बता दिया, कलर्स एंड एंटॉक जो नियॉन में से फिनिशिंग है, भाई क्या ही लग रहा है, मतलब दिल खुश कर दिया, एक अलग ही लग रहा है। जो TVS है हर बार कुछ ना कुछ नया चेंजेस कर रहा है इस एंटॉक में, बिकॉज आपको पता है ये बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इस स्कूटी को। मैं कहूँगा कि 125 सीसी में इससे बढ़िया स्कूटी मेरे को अभी तक नहीं लगी, मैं खुद इस स्कूटी को यूज़ कर रहा हूँ, ऑसम है भाई। और इसके साथ साथ आपको देखिए नीचे 125 सीसी, ये भी 3D टाइप की लुक में आपको दिया हुआ है, नियॉन कलर का फिनिशिंग प्लस ग्रे का इसमें लुक मिल जाता है। सो ये पहला तो चेंजेस जो मैंने आपको कलर के बारे में बताया, कलर में चेंजेस तो ही हैं, साथ के साथ इसका जो अलॉय है उसमें आपको मल्टी स्पोक्स अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, जो इससे पहले वाला वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहले वाला भी दिखा देता हूँ आपको। सो साथ में काफ़ी सारी एंटॉक्स खड़ी हैं। सो ये वाला जो अलॉय है, ये पहला अलॉय इसका पहला आता था, अब जो इसमें चेंजेस आए हैं वो एक मल्टी स्पोक्स अलॉयज आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी बढ़िया चेंजेस इन्होंने दिए हैं इसमें। सो बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको एज इट इज सेम LED आपको देखने को मिल जाती हैं, लाइट्स, हेडलाइट्स वगैरह, और ये भी आपको हैजार्ड लाइट वगैरह देखने को मिल जाती हैं। प्लस ये वाला जो वेरिएंट है TVS इंटेलीगो वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। सो इसका डिटेल वाइज बताता हूँ मैं क्या चीज़ है ये। सो यहाँ पे एक आपको बटन दिया हुआ है, पहले आप देखते थे जो एंटॉक था उसमें एक ऑप्शन आता था, यहाँ पे ऑन ऑफ वाला ऑप्शन आता था, बट अब क्या है इसमें एक ए जो लिखा हुआ है, ए हाइब्रिड, जैसे कि 30 सेकंड तक अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप ब्रेक दबाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्लस नीचे आपको वॉइस असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक नया फीचर है जो आपको इस एंटॉक में देखने को मिलेगा, और ये दोनों ही फीचर आपको ऑलरेडी TVS जुपिटर 125 सीसी में आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस ये इसका TFT स्क्रीन है और ये LED स्क्रीन है, दो हाइब्रिड स्क्रीन इसमें दी हुई हैं। सो काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे राइडर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी है, उस अकॉर्डिंग बर्थडे यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। साथ के साथ इसमें स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक लग रही है, अलग ही चीज़ लग रही है। राइड स्टेट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लास्ट लैप जो भी रहा वो दिख जाएगा, प्लस बेस्ट लैप जो रहा वो दिख जाएगा राइडर का, है ना। और स्ट्रीट मोड में आपको ये देखने को मिल जाता है क्या इको में, अभी आप देखिए 100% दिखा रहा है इको, पावर में चलाएंगे तो पावर अकॉर्डिंगली वो सब कुछ दिखाने वाला है। टाइमिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको स्पीड, फ्यूल वगैरह ये देखने को मिल जाता है। सो इसकी जो डिटेल वाइज वीडियो रहेगी ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि इसमें क्या 60 फीचर ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो अभी के लिए इतने फीचर्स जो मैं बता रहा हूँ ये है। और जो वॉइस असिस्ट है इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, वॉइस असिस्ट जो दिया हुआ है
वॉइस असिस्ट एक्टिवेशन लॉन्ग प्रेस करके हमें इसको एक्टिव करना है। सो इसको लॉन्ग प्रेस करके ही एक्टिव करना है, बाकी नॉर्मल बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, हॉर्न वगैरह नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर चेंजेस की बात करें तो ये देखिए सबसे बढ़िया चेंज, साइड में आपको एनटॉक 125 XT देखने को मिल जाता है ब्रांडिंग के साथ। साथ के साथ एक और खास चीज़ ये देखिए, इसका जो नीचे फैन दिया हुआ है, ये फैन भी ग्रीन कलर में, मतलब कि नियॉन कलर में आपको देखने को मिल जाता है। सो बाकी हमारी जो भी एनटॉक आती है उन सब में ये रेड कलर देखने को मिलता है, तो इसमें ये भी नियॉन कर दिया है। सो काफ़ी इन्होंने कोशिश की है कोई लुक को पूरा का पूरा चेंज करने के लिए। और बाकी आपको पता है CVT RE इसमें देखने को मिल जाता है इंजन की बात करें तो, और इसका जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड इसकी बात करें तो आप सीट देखिए, सीट में ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। नीचे वाला जो पोर्शन है ये ऐसा लगता है बिल्कुल ही अलग ग्राफिक की तरह से बनाया हुआ है, देखिए। प्लस रेड की जो स्ट्रिपिंग है ये आपका इसमें एक अलग लुक, स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करते हैं पूरी गाड़ी को, और बहुत ही अच्छा लगता है। प्लस ये देखिए पीछे भी पूरा का पूरा चेंजेस दिए हुए हैं। सो ये कुछ आउटर चेंजेस हैं जो कि हैं इस न्यू एनटॉक XT वेरिएंट में। और इसके अलावा जो इसमें बेसिकली चेंजेस हैं वो हैं मेन इसके स्पीडोमीटर पे। सो जो भी इसका क्लस्टर है, डिजिटल क्लस्टर जो भी दिया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। सो उसकी डिटेल वाइज वीडियो आपको जल्दी ही मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, अगली वीडियो उसी की मैं डालूंगा। सो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, इसकी डिटेल वाइज वीडियो आपको जल्दी से मिलने वाली है। सो ये चीज़ अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपको ये वाला वेरिएंट पसंद आया है कि नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, पीछे भी देखिए अलॉय दिखा दिए, अलॉय भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। सो पीछे भी देखिए रियर टायर में आपको नियॉन कलर देखने को मिल जाता है, प्लस एनटॉक भी लिखा हुआ है। सो बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव लुक देखने को मिलेगा, जब रोड पे आप इसको चलाओगे तो अलग ही दिखने वाली है भाई, आपकी नियॉन कलर अलग ही दिखेगी। और अगर बैकलाइट की बात करें तो बैकलाइट एज इट इज़ सेम जो पहले था, सेम एज इट इज़ देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है पीछे। सो आई थिंक आपको ये स्कूटी पसंद आई हो, नया कलर पसंद आया हो, और जो इसके चेंजेस हैं, जो स्पीडोमीटर में चेंजेस देखने वाले हैं, ये अगली वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बाकी देखने को मिलती हैं। अगर आपने एनटॉक की पूरी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो मेरे इसी चैनल पे आपको एनटॉक की भी नॉर्मल वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो गाइज एक खास बात इसमें बताना चाहूँगा, इस वाली स्कूटी में आपको किक स्टार्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो बाकी एनटॉक में आपको किक देखने को मिल जाती है, बट इस वाले में आपको किक स्टार्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो आपको लगता है क्या इसको आप पसंद करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो बाकी फीचर्स मैंने आपको सारे बताई दिए हैं। सो गाइज कैसी लगी ये न्यू एनटॉक XT, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अब बात करते हैं फाइनली इसके प्राइस की, तो दिल्ली का जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो 1,15,000 रुपये प्राइस है। और इसी के सिमिलर जो नॉर्मल इससे पहले जो वेरिएंट आते थे XP को छोड़ के, उनका जो प्राइसिंग है वो लगभग 1,05,000 के आसपास है, तो 10,000 रुपये का चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। प्लस जो XP वाला वेरिएंट है वो वाला वेरिएंट आपको लगभग 1,07,000 के आसपास मिलता है। सो उससे कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 8,000 के आसपास एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो लगभग 10,000 से 15,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, 15,000 तो नहीं 10,000 कहूँगा मैं, 10,000 अगर आपको एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो क्या आपको ये वेरिएंट पसंद आता है इस प्राइस रेंज में 1,15,000 रुपये। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आती है तो। और अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल जाननी है या फिर ये स्कूटी बुक करनी है तो जल्दी से डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जल्दी से अपनी न्यू एनटॉक XT बुक करा सकते हैं और घर लेके जा सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय गाइस।